होना आप कैसे हो कि आप लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू पूरी जानकारी को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। वर्तमान समय में सरकार की ओर से जमीन रजिस्ट्री एवं जमाबंदी को लेकर तरह तरह के नियम एवं कानून पारित किए जाते हैं। इसी बीच एक बार फिर से कोर्ट की ओर से नई बयान दिया गया कि जिनकी जानकारी होने के लिए अत्यंत आवश्यक है आपको, तो मैं बता दूं कि बिहार राज्य की खबर को बताने जा रहे हैं। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम में हुआ बदलाव, जिस वजह से रजिस्ट्री करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का माहौल। राज्य के जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस में उन्हें बहुत भीड़ देखी जा रही है। जमीन रजिस्ट्री में जमाबंदी के नियम हटते ही लोग रजिस्ट्री करने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस में टूट पड़े, इससे राज्य के रजिस्ट्री ऑफिस को जाने लगे हैं। मैं बता दूं कि निबंधन कार्यालय में 100 से भी ज्यादा जमीन रजिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमाबंदी को रोक हटाए जाने के बाद अब हर दिन एक निबंधन कार्यालय में 100 से भी ज्यादा जमीन रजिस्ट्री की जा रही। इसी बीच कारण जो है आसपास में जितनी भी दुकान होटल है उनमें से भीड़ बढ़ गई है। 23 फरवरी से जमीन में रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई थी, इससे राज्य भर में सभी रजिस्ट्री ऑफिस खाली पड़ा था। मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हटाई है रोक, तो बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई पूरी जानकारी, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक हटा दी गई है, जिसके कारण से रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर लोगों को बेचार लग चुकी है। आप पूरे दिन रजिस्ट्री ऑफिस में सिर्फ लोग का जमावड़ा लगा हुआ है। अगर आप भी इस वजह से अपना रजिस्ट्री रोक रखे हैं तो तुरंत जाकर अपनी रजिस्ट्री करवा लें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी है। तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब जल्द ही मिठाई बंटवा दूं, नया आदेश जारी, कोर्ट ने रोक हटाई। तो मैं बता दूं कि पूरी तरह से जो है बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक रोक हटाई है, जो कि क्योंकि बिहार सरकार की जो है पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जमीन को नए नियम में संशोधन किए गए थे कि बिना जमाबंदी का जो है आप अपने बाप दादा का जमीन यानी कि अपने पूर्वजों का जमीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए आपको अपने नाम पर जमाबंदी कराना पड़ेगा। तो ये ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन उस 23 जो सितंबर तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। ये जानकारी कैसा